फ्रेंड्स, आज हम लोग एक खास वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो अक्सर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू वो क्रैक नहीं कर पाते ड्यू टू सम मिस्टेक्स। तो मैं उन बिंदियों पे आपको मतलब मार्गदर्शन करूँगा जिसमें कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चे इसमें फेस करते हैं परेशानी, और उनका काफ़ी तैयारी होने के बाद भी वो इंटरव्यू को सही से क्रैक नहीं कर पाते, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उन बच्चों के लिए मैं खास तौर से ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं इस लाइन से हूँ। हम लोग पिछले कई सालों से एक रिनोन कंसल्टेंसी चला रहे हैं और काफ़ी सारे कई हजारों बच्चों को हम लोग अभी तक प्लेस करवा चुके हैं। हमारे कोई चार्जेस नहीं होते, ये फ्री सर्विस है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो से क्या फ़ायदा होगा और कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करने में सक्षम होंगे। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप तक निरंतर पहुँचती रहे बिना रोक टोक के। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप जाएं, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके उस कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर जरूर इकट्ठा कर लें, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर आपको ये जरूर पूछेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं वो क्या करती है, क्या सेटअप है कंपनी का, कितने लोग काम करते हैं, किस तरह की सर्विस में है कंपनी, कंपनी फाइनेंस में है, कंपनी बैंकिंग में है, कंपनी किस किस क्षेत्र में। तो उसको जरूर आप स्टडी कर लें, जरूर उसके वेबसाइट पे कंप्लीट देख लें कि कंपनी कब से एस्टेब्लिश्ड है, कब से कंपनी काम कर रही है मार्केट में, और ये आपके करियर के लिए भी अच्छा है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। दूसरी बात ये होती है कि जिस भी जॉब के लिए आप जाते हैं तो जॉब से जाने से पहले आप JD यानी जॉब डिस्क्रिप्शन का अध्ययन जरूर करें। आप देखें कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी को क्या चाहिए, उसको किस तरह के बंदे चाहिए या किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने बायोडाटा को बनाएं, और उस अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अधिक चांसेस है कि आप का इंटरव्यू अच्छा होगा। तो इस चीज की तैयारी आप जरूर करके जाएं। और बायोडाटा देखिए, हमेशा बायोडाटा ना सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी है। बायोडाटा में वही इंफॉर्मेशन दें जो इंफॉर्मेशन सत्य है या जो इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं। कई बच्चे बढ़ा चढ़ा के बायोडाटा में लिख देते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बायोडाटा में वही लिखें जिस चीज़ों की जानकारी है या जो आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवाती है और उसमें अगर रेड आ जाता है तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो आप इसलिए बायोडाटा में सही इन्फॉर्मेशन दें, और अगर फ्रेशर है तो तब तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन जो भी आपके करियर में अचीवमेंट रहा है, चाहे वो स्टडीज में रहा हो, चाहे एक्टिविटीज में रहा हो, उसका वर्णन, उसका गुणगान आप बायोडाटा में कर सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। और बायोडाटा देखिए, बहुत लंबा चौड़ा 4 पेज 5 पेज का बायोडाटा बनाने की आवश्यकता नहीं है। बायोडाटा आप अगर आप फ्रेशर हैं तो 2 पेज का बायोडाटा बहुत है, लेकिन बायोडाटा में वही इंफॉर्मेशन डालें जो इंफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस है और जो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। यूजलेस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि यूजलेस इन्फॉर्मेशन डालने से आपको उससे रिलेटेड सवाल जवाब किया जाएगा, इंटरव्यूअर आपको उससे रिलेटेड सवाल जवाब होगा, फिर आप जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे। तो बायोडाटा में सिर्फ ऐसी चीज़ें डालिए जो कि आपके मतलब कि आपसे रिलेटेड है, और जो भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसको बहुत सीरियसली ले, उसकी तैयारी सही तरीके से कर लें। कई बच्चे घूमने टहलने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं, तो इस माइंडसेट के साथ आप इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाएं। जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं
तो उसको सीरियसली आप लें और आप ये मान के चले कि आपको उस इंटरव्यू को क्रैक करना है। अगर आप उस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे तभी वो क्रैक होगा, और उसको अगर सीरियसली आप लेंगे तभी आप उसको क्रैक करने में सक्षम होंगे। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने टाइम में बहुत पंक्चुअल रहें। इंटरव्यूअर जो भी आपको टाइम दे उस सही समय पे आप इंटरव्यू के लिए जरूर पहुंचे। कई बच्चों का मैं देखता हूँ कि उनको टाइम कुछ दिया जाता है और पहुंचते कुछ किसी और टाइम पे, ये इससे एक निगेटिव मतलब एलिमेंट है। ये आप ये मान के चलिए कि ये एक निगेटिव चीज़ है जिस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। हमेशा टाइम के मामले में बहुत पंक्चुअल रहें, और आप हमेशा जब भी इंटरव्यू के लिए जाए आप एक प्रोफेशनल अटायर में जाए, यानी कि आपका जो प्रोफेशनल जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। ये नहीं कि स्पोर्ट्स शू पहन के इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए या चप्पल और जीन में पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तो अपने प्रोफेशनल अटायर में जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही रिमार्केबल चीज़ें हैं और कंपनी इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देती है, बहुत तवज्जो देती है। अगर आप ढंग की कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देती है। और उसके बाद ऑलवेज आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। मतलब आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जाए, और आपके बिहेवियर में भी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। जैसे कि आप इंटरव्यूअर से मिले तो उसको ग्रीट करें, हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर जो भी चीज़ है, ताकि ये एक एक चीज़ें देखो आपका बिहेवियर बहुत काउंट होता है। इवन जिंदगी में भी बिहेवियर बहुत ज़रूरी है और इंटरव्यू में भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी से बंदे का अप्रोच का पता चलता है, आपका बिहेवियर ही आपका अप्रोच बताता है। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाती है, क्योंकि आपका बिहेवियर हमेशा आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, वो हमेशा आपको बहुत आगे लेके जाता है। और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे खास ध्यान दें, जो भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी और संतुलित होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन जो भी बात आप इंटरव्यूअर के सामने रखें वो बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। जो भी आप रखना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे लैंग्वेज में आप रखिए, ताकि इंटरव्यूअर को समझ में आए, वो जो भी सवाल पूछ रहा है उसका जवाब उसको सही सही तरीके से मिले। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में कि हमेशा अपने लिसनिंग स्किल को जरूर डेवलप करें, यानी कि जो आपसे कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो सुनते कम है बोलते ज़्यादा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी इंटरव्यूअर सवाल पूछे उसका जवाब आप पहले तो उसको सवाल को सही से सुने समझे और फिर उसको सही तरीके से जवाब दें, क्योंकि लिसनिंग स्किल आप अच्छा रखेंगे या एक गुड लिसनर बनेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आपसे सवाल जवाब हो या जो भी आपसे पूछा जाए उसको बहुत कॉन्फिडेंटली आप जवाब दें। और अगर आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग है तो वो भी इंटरव्यूअर से जरूर पूछिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप उस सब्जेक्ट को लेके या उस मैटर को लेके या उस जॉब को लेके कितना सीरियस है। तो इसलिए हमेशा ऑलवेज डू द क्रॉस क्वेश्चनिंग, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स आप जैक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स कि मुद्दा कुछ और है और आप किसी और मुद्दे पे सवाल जवाब कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर रिलेटेड है तो उसको जरूर पूछिए, उसको पूछने में कोई बुराई नहीं है। और इंटरव्यू को जब आप फिनिश करते हैं तो फिनिश करने के बाद जब आप बाहर निकलें तो बाहर निकलने से पहले इंटरव्यूअर को ग्रीट करके जरूर निकलें। दैट इज कॉल्ड आवर बिहेवियर, और दैट यू कैन से ये हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो इस चीज़ को जरूर आप याद रखें, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और एक और चीज़ है बच्चों की, कभी हार ना मानने की आदत ही आपको हमेशा एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है।
तो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको हमेशा आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। तो इस चीज की आदत आप डालें, और आप अगर इस वीडियो को सही से देखें, ये आपकी जिंदगी में बहुत फायदे कारक है। क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने तजुर्बे से बनाया है, अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, कि जो भी बच्चे हमारे पास, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि मतलब जिनको जानकारी नहीं होती या जिनको कोई बताने वाला नहीं होता, तो इस वीडियो को देख के उनको जानकारी होगी और वो अपना इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें, और लाइक तो वैसे बनता ही है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।